थाने में 30 दिनों से सुनील काबरा पहुंचा रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को खाने का पैकेट। आज कोरोना संक्रमण के चलते देश में हुए लॉकडाउन से जहां एक तरफ गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले रोजाना कमा कर खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को अपने परिवार के पेट भरने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ थाने में टिकुजिनी वाड़ी रोड पर स्थित एक होटल व्यवसायी सुनील काबरा ने रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाकर उनकी भूख को शांत करने का एक उत्तम प्रयास किया है। हम आपको बता दें कि सुनील काबरा भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा विधायक संजय केलकर और निरंजन डावखरे के मार्गदर्शन में एक माह से थाने में गरीब लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर, सतीश चौहान के साथ थाने महाराष्ट्र। नरेंद्र भाई मोदी ने यह घोषित किया कि जनता कर्फ्यू शुरू होगा और जनता कर्फ्यू के बाद थोड़े थोड़े दिन के बाद उन्होंने बताया कि और थोड़े दिन हमें ये क्वारंटाइन पालना पड़ेगा, कोरोना के लिए हमने घर में रहना पड़ेगा। तो मानो पहले दिन से ही काबरा जी के मन में आया कि इस काल में बाहर जाने का कोई चारा नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो गोर गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनको कौन खाना देगा, वो कहाँ से खाना लाएंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे गोर गरीब के पेट में कुछ ना कुछ खाना जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपना जो संसाधन है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज किया और उस माध्यम से उन्होंने हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को, अनेक पदाधिकारियों को, अनेक जितने भाजपा के संघ परिवार के लोग हैं उनको कह दिया कि मैं मेरे ओर से खाने का इंतज़ाम करने वाला हूं, आप मुझे मदद करिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गोर गरीब लोगों को खाना मिलना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं हर रोज़ मानो 700-800 से शुरुआत किया उन्होंने, 700-800 टिफिन पहले दो दिन में दिया, उसके बाद वो अभी 1400-2000 तक उनका टिफिन जा रहा है। और ये सारा काम देखने के बाद आजू बाजू में रहने वाले सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने भी देख लिया कि भाई काबरा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ मदद करेंगे। तो उन्होंने अपने घर में चार चार रोटी, पांच पांच रोटी, जितना हो सके वो रोटी और थोड़ी सी सब्जी भाजी बनाई हुई उसका टिफिन देना शुरू किया। आज वो भी लगभग हमारे यहाँ 250-300 से ज़्यादा जा रहे हैं। करीबन 20-25 अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में अपना ये खाना जा रहा है और ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे गोलवलकर गुरुजी ने कहा है कार्य कठिन है, इसके लिए करने योग्य है, साधारण कार्य तो सभी करते हैं, तो इसके लिए आज पूरे शहर में अगर दिखाई देता है तो 10-12 लोग जो काम करते होंगे उसमें वो 10 लोगों में काबरा जी का भी नाम आता है। ऐसे दानशूर जब हमारे सृष्टि में है, हमारे इस भूमि में है, केवल ऋषि मुनि दानशूर इनकी वजह से ही ये भूमि ये संवर्धित हुई है। जब ये कोरोना का प्रकोप अपने भारत देश में बढ़ने लगा और जब माननीय पंत प्रधान मोदी जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया तो उसके अगले दिन से मुझे ये लगा कि जनता कर्फ्यू में
जब सब बंद हैं, जो लोग वड़ा पाव पूड़ी भाजी खा के बाहर रहते हैं, जिनके घर में किचन नहीं है, जिनके घर में खाना पकाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग दो टाइम खाना नहीं खा के क्या करेंगे। तो अगले दिन से मैंने खाना बांटने का कार्यक्रम चालू किया। मेरा खुद का किचन है, मेरा खुद का होटल है, इसलिए मैं ये सब कर पाया। दूसरे दिन वापस लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, 14 दिन का लॉकडाउन। तो 14 दिन के लॉकडाउन में फिर हमने सोचा कि अभी हमको भी 14 दिन लोगों को खाना पहुंचाना चाहिए। तो हमने 14 दिन तक हमारी पूरी टीम बनाई, हमारे बीजेपी के सब पदाधिकारी हैं, हमारे सब आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और मेरे कुछ मित्र मंडल हैं, उन लोगों ने सबने सोचा कि भाई हम लोग अलग अलग टीम बना के अलग अलग क्षेत्र में ये कार्य को करेंगे। 14 दिन तक हमने 800 टिफिन से हमने शुरू किया, दो दिन तीन दिन के बाद ही संख्या बढ़ते बढ़ते 1500 टिफिन तक पहुंच गई और हम वागले स्टेट से लेके कासर वड़ौली तक अलग अलग एरिया में अलग अलग कार्यकर्ता इस कार्य को कर रहे थे। जब 14 दिन के लॉकडाउन के बाद में हमने सोचा कि स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन स्थिति सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ गई और मोदी जी का आह्वान हुआ कि फिर अगले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाए। तो अभी 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। अभी तो जो लोगों के हाथों में, जो लोगों के घर में किचन है, उनके घर में राशन खत्म होने लग गया है, उनको भी ज़रूरत है। तो और संख्या बढ़ने लगी, और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ने लगे और अभी हम 1800 से 2000 तक टिफिन घर घर में पहुँचा रहे हैं और जितना सहयोग हो पा रहा है हम लोगों का कर रहे हैं, धन्यवाद। और ये सब कार्य में हमको हमारे आमदार साहब श्री संजय जी केलकर और निरंजन जी डावखरे, जो आमदार और थाने शहर जिला अध्यक्ष हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है और उनके नेतृत्व में ही हम इस कार्य को आगे कर